हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज फिर बात करूंगा मैं अडानी पोर्ट के बारे में। देखिए, अडानी पोर्ट ने आज एक और अचीवमेंट हासिल किया है और मैं लगातार रेगुलर इस शेयर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। ये शेयर मेरा पसंदीदा और अडानी कंपनियों में एक सबसे बेहतर और सबसे ट्रस्टेड शेयर मैं मानता हूँ। अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियाँ हैं खरीदने लायक और जिसके अंदर रिस्क सबसे कम है, उनमें से एक है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट से निकलकर एक न्यूज़ निकल आई है जो आपने शायद देखी भी होगी, सुनी भी होगी, और नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। और उस न्यूज़ के कारण या तो शेयर बहुत अच्छा अपमूव दिखाने वाला है, और नहीं दिखाता और गिरता है तो आपके पास मौका है इसको गिरावट पर खरीदारी करने के लिए। न्यूज़ क्या है? तो देखिए, न्यूज़ ये है, अडानी पोर्ट ने BSE में एंट्री कर ली है। यहाँ देख सकते हैं, शेयर ऑफ अडानी पोर्ट एनसीज विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द BSE सेंसेक्स फ्रॉम जून 24 एज पार्ट ऑफ द इंडेक्स रेजिंग द अडानी ग्रुप कंपनी विल रिप्लेस विप्रो। तो देखिए, इन्होंने विप्रो को निकालकर खुद की एंट्री की है अडानी पोर्ट ने। विप्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, विप्रो को रिप्लेस करना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप विप्रो को जानते भी हैं, विप्रो के तमाम रिकॉर्ड आपको मालूम है, इसने किस तरीके से अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बनाकर दिया है और किस तरीके से इसका हर एक इन्वेस्टर जो इसमें शुरू से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है अपने पैसे को और अपने शेयरों को, वो हर एक इन्वेस्टर करोड़पति हो चुका है। तो विप्रो को रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी बात है जो कि अडानी पोर्ट ने ये कर दिया है। अडानी पोर्ट ने इसको रिप्लेस करने के बाद और उसके बावजूद शेयर 2.25% गिरा है। यहाँ देख सकते हैं, अडानी पोर्ट 1.70% आज के दिन गिरा है। अच्छी खबर है, शेयर बढ़िया है और सब कुछ शेयर के अंदर बेहतरीन दिखाई देखने को मिलता है। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर गिरावट मिल रहा है आपको, तो इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ख़रीदने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप ख़रीद लें, रिसर्च पहले करें, आपको इसके फंडामेंटल अच्छे लगें, इससे जो निकलने वाली न्यूज़ हैं वो अच्छे लगें, तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें और ख़रीदारी करें, ना कि मेरे कहने से। मुझे इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैं शेयर को आपके लिए बार बार लेकर आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप हो सकता है इसके अंदर खरीदारी करें। डे परफॉर्म की बात करें आज, तो आज इसने लो लगाया 1450 रुपये का और हाई लगाया 1479 रुपये का। तो इसने अच्छा खासा आज इंटरडे में डाउन साइड दिखाई है, और जिसने इंटरडे में काम किया होगा उसको उसने पैसा भी कमाया होगा। वहीं वन वीक की बात करें इसकी, तो वन वीक का इसका चार्ट है 1621 रुपये का इसका हाई और 703 रुपये का लो। तो देखिए, ये इसका हाई और लो है वन वीक का। अपर सर्किट अच्छा खासा है, इसमें अपर सर्किट लगना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम भी इसके अंदर कितना बढ़िया आ रहा है, देखिए 3 करोड़ के आसपास के अंदर वॉल्यूम भी आ रहा है। साथ ही साथ एक्सपर्ट की रेटिंग भी देखें तो देखिए वो भी कमाल की है। साथ ही साथ इसको देखें, इसको एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, तो देखिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसको 100% बाय करने के लिए। होल्ड करने के लिए कोई नहीं बोल रहा, सेल करने के लिए कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ इसको बाय करने की सलाह दी जा रही है। और मेरा भी दिल यही कह रहा, मेरा ही मानना यही है कि इस शेयर के अंदर जितनी गिरावट हो रही है होने दो, बहुत बड़ा इसके अंदर अप मूव आने वाला है ऐसा लगता है। अब वही इन्वेस्टर कह रहे हैं और वही इसको एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक्सपर्ट रेटिंग 100% बाय करने की है, और कितने एक्सपर्ट, 18 एनालिस्ट कर रहे हैं। 18 जो एनालिस्ट होते हैं, बड़े टॉप के एनालिस्ट हो जाएं, वही अपनी राय रख सकते हैं खुलकर किसी भी शेयर के बारे में कि इसको खरीदें या ना खरीदें।
मैं या कोई टुच्चा मुच्चा कोई ऐसा इंसान किसी शेयर को ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको खरीद लें, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की चीज़ है। इसके अंदर किसी भी शेयर को बाय करने की सलाह देना कोई मामूली बात नहीं होती। कंपनी का फंडामेंटल देखें तो देखिए बेहतरीन फंडामेंटल हैं कंपनी के। कंपनी का मार्केट कैप देखें 3,20,932 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का। इसके आसपास में भी कोई छोटी मोटी कंपनी भटक नहीं सकती। वहीं आरओई देखें तो आरओई 15.32 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 37.55 का। पी रेशियो देखें तो देखिए पी रेशियो 39 का है, ज़्यादा हाई नहीं है इसका वैल्यूएशन। आपको सही दाम पर ये शेयर खरीदने के लिए मिल रहा है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड अडानी के किसी भी शेयर के अंदर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत मामूली मिलेगा। डिविडेंड इसका अच्छा नहीं माना जाता। कितना है? 0.40%, एक से भी नीचे। वहीं इंडस्ट्री का पी देखें तो 38 का और शेयर का पी देखें तो 39 का, तो आपको ज़्यादा महंगा ये शेयर नहीं मिल रहा। वहीं इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद डेप्ट देखें तो कंपनी का डेप्ट मात्र 0.93 का है, एक से कम है, बहुत अच्छी बात है। इसका रेवेन्यू देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखिए 6,178 करोड़, 6,631 करोड़, 6,952 करोड़, 7,427 करोड़ और 7,200 करोड़। तो कंपनी रेवेन्यू लगातार बेहतरीन कर रही है और कंपनी के तमाम फंडामेंटल अच्छे। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत लाजवाब है। प्रमोटर के पास 65.89% की हिस्सेदारी है। फॉरन वालों के पास जो विदेशी फर्म होती हैं उनके पास 14.98% की हिस्सेदारी है। अदर डोमेस्टिक के पास देखें तो 8.72% की हिस्सेदारी है। रिटेल के पास देखें तो 7.30% की हिस्सेदारी और म्यूचुअल फंड के पास 3.11% की हिस्सेदारी। हालांकि देखा जाता है कि अडानी की जितनी कंपनियां हैं उनमें से बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिनों के अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने माल खरीदा है या खरीद कर रखा हुआ है। बहुत कम कंपनियों के अंदर म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर जो अडानी के शेयर्स हैं अडानी ग्रुप में बहुत कम पैसे लगाते हैं। कुछ ही शेयर ऐसे हैं जिनों में इन्होंने खरीदारी की हुई है, जिसमें से एक है अडानी पोर्ट। तो दोस्तों इसकी मैंने आपको सारी फंडामेंटल बताई, रेवेन्यू बताया बढ़ता हुआ लगातार और एक से एक बेहतर इसकी न्यूज़ निकलती रहती हैं। एक्सपर्ट की रेटिंग बहुत बढ़िया है। सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। इसके अंदर खरीदारी करना और ना करना वो आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि मेरी वीडियो के ऊपर। मैं सिर्फ आपको यही बताता हूँ कि शेयर के अंदर कैसी न्यूज़ आ रही हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो शेयर के अंदर सब कुछ मुझे बेहतर देखने को मिला, इसीलिए मैं आपको बार बार इसकी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। और एक बार इसने भागना शुरू कर दिया शेयर ने तो फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी गिरावट पर मिल रहा है तो आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, वो आपकी राजी है खरीदारी करनी है या नहीं करनी। तो दोस्तों दी हुई जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी इसके फंडामेंटल चेक कर सकें और वो अपनी राय रख सकते हैं ये शेयर खरीदने के लायक है या नहीं। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा के उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड करते ही वीडियो पहुँच जाए। मैं आपको हमेशा ऐसी वीडियो बनाकर देता हूँ जिसमें कम समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, इस तरीके से शेयर ढूंढ कर लेकर आता रहता हूँ। खास करके न्यूज़ बेस्ड आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि इस शेयर के अंदर अच्छी न्यूज़ आई है या ख़राब न्यूज़ आई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।